ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे वो मेरी ब्राउन फाइल ऊपर रह गई थी रूम में, तुम प्लीज ला दोगी? थैंक यू। इस प्रोजेक्ट पर तो मैं पूरी जान लगा दूंगा, पर परसों से। परसों से क्यों? क्योंकि कल तो बहुत स्पेशल डे है ना। वो क्या? आप लोगों को याद नहीं है, बर्थडे की तैयारी कैसी चल रही है प्रिंसेस? अरे हाँ, कल तो मेरा बर्थडे है और मैं ही भूल गई। इस सुपर हूँ ना, मैं अपने ही बर्थडे भूल गई। सालों बाद तुम अपने बर्थडे पे घर हो प्रिंसेस, खूब अच्छे से जन्मदिन मनाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में मनाती थी। हाँ पापा, बिल्कुल वैसे ही मनाऊंगी, बहुत मजे करूंगी। ये सच में हैप्पी वाला बर्थडे है, सब कुछ ठीक हो गया, भाई भाभी का पाचप हो गया, मेरा कार्तिक भी साथ आ गए, नाराज भी बिल्कुल दूर हो गई, सब लोग बहुत खुश है। और तुम्हें कितने परफेक्ट टाइम पे बर्थडे की एक दिन पहले। थैंक यू सो मच गंगा मैया, आपने सब ठीक कर दिया। नायरा सुनो, मैं नीचे गेस्ट रूम में काम करने जा रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर कि कोई भी मतलब कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। कार्तिक, आज कर लो जितना काम करना है, कल के लिए कुछ मत छोड़ना क्योंकि कल तुम बिजी हो। कल के? आप तो कई दिनों तक बिजी हो। मैं तुमने सुना नहीं मिस्टर गोयनका ने क्या कहा? बाप रे, बहुत सारा काम है और गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। We have to be very careful. I'm good. हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम दिन भर काम करते ही रहोगे, थोड़ा टाइम तो निकाल ही सकते हो ना, स्पेशली किसी ओकेजन के लिए। हाँ तो ठीक है ना, अगर कोई स्पेशल ओकेजन होगा तो देख लेंगे, पर तब तक तो काम ही करना पड़ेगा ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। उतने अच्छा एक्टर होते ना तुम तो किसी बड़ी टीवी सीरियल के हीरो होते। बिजनेस मैन नहीं। देखो मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि कल मेरा बर्थडे है, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कुछ सरप्राइज जरूर प्लान कर रहे हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और ये मुझे पता है। तो मुझे पता है जहाँ प्यार होता है वहाँ एक्सपेक्टेशंस भी होती है। अभी अपनी गंदी एक्टिंग बंद करो और बताओ क्या प्लान कर रहे हो। अब तुम्हें ये तो पता है कि मैंने कुछ ना कुछ स्पेशल तो जरूर प्लान किया, पर ये कभी नहीं पता चलेगा कि क्या करूंगा। क्यों नहीं पता चलेगा, बताओ क्या कर रहे हो। सॉरी, सरप्राइज। देखो कार्तिक, तुमने प्रॉमिस किया था ना तुम मुझे सब बताओगे, मुझे बिल्कुल परेशानी करोगे। हाँ ठीक है, वो तो कहा था, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे। मैं तो करूँ, बोलो क्या करोगे अब बताओ। ओके ओके फाइन, बता देता हूँ। कुछ प्लान किया है मैंने, प्लान ये किया है कि सोच रहा हूँ जोकर बनकर डांस करूंगा, उसके बाद शार में रोमांस। बताओ तुमने मेहनत करी, बताओ। देखो बहुत, थोड़ा सबर कर लो शेरनी, सबर का फल मीठा होता है। खुश होना है तुझे, पापा ने कहा ना कि खुश रहना है, खुश रहना है, इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुझे ये सोचना चाहिए कि 6 घंटे बाद तेरा बर्थडे है। शुक्र है भगवान का, सच में बिल्कुल सही समय पे सुलह हो गई तुम दोनों की। हाँ कल नायरा बिटिया का जन्मदिन है, अब वो खुशी खुशी मना सकेगी। लेकिन ये तो बताइए आप लोग कि नायरा बिटिया का जन्मदिन कैसे मनाना है? ये हक तो कार्तिक का ही बनता है, आई एम श्योर इसने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। क्यों? अब सोचा तो है, पर आप लोगों को मंजूर हो तो। बेटा तुमने जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा ना। तो ठीक है, नायरा का जन्मदिन कल यहाँ मनाएंगे। यहाँ? अरे ये बात तो सही है छोरे, पर सुहासिनी जी ने पूछा है कि ना? पूछ लिया मैंने, सारी बात हो गई, दादी ने सब मुझ पर छोड़ दिया। हाँ वो तो ठीक है, पर फिर भी एक बार अगर। अरे इट्स ओके दादी, और वैसे भी कल अगर वहाँ पर जन्मदिन मनाएंगे तो सरप्राइज ही कहाँ का रहेगा, यहाँ मनाएंगे तो सरप्राइज भी तो होगा। और ये रही लिस्ट। एक इतने सारे कपड़े हैं, पर
एक भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहनूं। किसी की फिटिंग नहीं है तो किसी का कलर पसंद नहीं है तो किसी के साथ की एक्सेसरी नहीं है। बचपन में बर्थडे कितने सही होते थे ना, मम्मा सब अरेंज कर देती थी, पापा अच्छे अच्छे डिशेस भेजते थे और सब कुछ हो जाता था। पर आज जब पहली बार सब खुद करना पड़ रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई मिस यू सो मच मम्मा पापा। आज 10 साल बाद बर्थडे पे अपने घर पे हूँ और आप लोग ही नहीं है। नायरा दादी, दादी अच्छा हुआ आप आ गई, मैं इतनी कंफ्यूज हूँ दादी। कल मेरा बर्थडे और एक्साइटमेंट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। नायरा अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, शादीशुदा हो, जन्मदिन को लेके इतना उत्साह बस बच्चों को शोभा देता है। क्यों दादी, बड़े क्यों खुश नहीं हो सकते अपने बर्थडे पे? एक यही तो दिन होता है जो सिर्फ हमारा होता है और इसे तो और स्पेशल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको खुश होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तुम्हें कोई कुछ नहीं समझा सकता, तुम तो सब समझती हो। कोई बात नहीं, आज मैं किसी की भी बात का बुरा नहीं मानू, आज मैं बस खुश रहा। बहुत टेंशन हो रहा है मुझे, इतना सारा काम बाकी और अब तक कुछ नहीं हुआ, कैसे होगा इसे समझ में नहीं आ रहा। कार्तिक कैसे नहीं करूं, कैसे करूं? और शांत हो जाओ, सब काम हो जाएगा, पहले बैठो और ये पियो चलो। कितनी अजीब है, कभी भी कहीं भी लाकर खड़ा कर देती है। तुम्हें बिल्कुल उसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर कुछ महीने पहले मैं था। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतना सब होने के बावजूद भी हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। तो फिर आज एक दूसरे से वादा भी करते, इस दोहरे रिश्ते को हम तेहरा रिश्ता कर देते हैं। देखो जैसे तुम मेरे जीजा हो और मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा साला हूं और तुम मेरे, उसके भी अलावा एक और रिश्ता है दोस्ती का। यू आर राइट, हम दोस्त हो सकते हैं। हो सकते नहीं, दोस्त हैं। तो चलो फिर इस दोस्त की बीवी की बर्थडे पार्टी प्लान करने में दोस्त की मदद भी कर लो। चलो तुम्हारा ये वाला बर्थडे आज तक का सबसे स्पेशल बर्थडे होगा नायरा। दादी चाचू, नायरा के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्लान कर चुका हूँ, आज रात को हम सब मिलकर उसे सरप्राइज देंगे। अरे वो एक्चुअली ना हम वो नहीं 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 मैं किसी को ये बात नहीं बता सकता, क्योंकि नायरा बहुत स्मार्ट है, वो या तो सुन लेगी या आप में से किसी के भी मुंह से उगलवा लेगी। सो प्लीज मैं इसे अपने तक ही रखूं। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। क्या है? और तुम्हें क्या है? बाप रे, क्या हाल बना रखा है, अंधेरे में देख लेता तो हार्ट फेल हो जाता मेरा। हाँ तो कल मेरा बर्थडे है, अच्छी भी ना लगूं? अच्छी तो तुम रोज लगती हो, उसमें नई बात क्या है? अरे पर कल बर्थडे है ना, स्पेशल डे है तो मुझे स्पेशल लगना है। तुम लोग भी गेम में लगते ना, पता नहीं इनमें से कल क्या पहनना पड़ जाए। एक मिनट, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम क्या पहनने वाली हो? ओह गॉड, तो एक काम करो, वहां पर पड़े सारे कपड़े पहन लो, एक एक करके, एक एक घंटा ये, एक घंटा वो, एक घंटा एक घंटा ये। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। हैं? सच में? हाँ, अगर सुबह अच्छी हुई तो लाइट कलर पहनूंगी, लेकिन अगर डल हुई तो ब्राइट कलर पहनूंगी। और हाँ, अगर शूज कंफर्टेबल नहीं हो तो भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, और पता नहीं अगर उसमें मोटी या छोटी या पता नहीं कैसी लगी तो भी चेंज करना पड़ेगा। और हाँ, अगर किसने सेम कलर पहना हुआ तो भी तो चेंज करना पड़ेगा, समझे? मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी नहीं समझ सकता, इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ये, मुझे तो ऑलरेडी चक्कर आ रहे। एक काम करो, मेरे लिए नींबू शरबत या कुछ बना के दो, वरना मैं अभी के अभी बेहोश हो जाऊंगा। क्या कार्तिक, तुम्हें मजाक सूझा? मैं सच में परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं और तुम मुझे मजाक कर रहे हो।
एक तो इतने सालों पर घर पे बर्थडे मना रही हूँ, आश्रम में तो जैसे बर्थडे मनाना भूल ही गई थी। हमेशा केप टाउन के बर्थडे याद करके खुश हो लेती थी। पता है, अगर मम्मा होती ना तो शायद इतनी एंजाइटी नहीं होती, वो सब मैनेज कर लेती थी, और पापा वो भी सब कर लेते थे। और आज उनके बिना